आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज सदन के तीसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों और विपक्षी पार्टियों ने मिलकर कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे मंजूरी दे दी गई। इस बात को लेकर जब हमारे सब एडिटर ने बिहार सरकार के श्रम मंत्री से सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, नेतृत्व विहीन और परिपक्व राजनीति विपक्ष के लोगों के द्वारा इस तरह का समय सदन का बर्बाद करना उचित नहीं है। जनता के हित में बिहार की जनता अपेक्षा रखती है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के लोग सदन में सरकार को आईना दिखाए, सकारात्मक भूमिका निभावे, विकास की बात पर आपस में डिबेट हो, लेकिन इस जिम्मेवारी से वो भाग रहे हैं और नेता विहीन अनुभव विहीन प्रतिपक्ष के कारण आज सदन का समय जाया हो रहा है। मंगल पांडे जी से इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है, अब इसका जगह कहाँ रहा? जब ने आप कार्यस्थगन दिया और कार्यस्थगन स्वीकार करके डिबेट हुआ, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोगों ने जब विषय पर रख दिया, पारदर्शिता के साथ सब लोगों के सदन के सामने, जनता के सामने सारे विषय को रखा, सरकार कितनी संवेदनशील है, क्या 550 से ज्यादा बच्चे को जिंदगी बचाकर उनके घर वापस किया गया, इसके बाद बिहार की जनता सब देख रही है, फरमाने का प्रयास न करें। कल मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक किया एनडीए के विधायकों के साथ, क्या कुछ निकल के आया सर उस बैठक से? विकास के प्रति समर्पित भाव है, सुखार के प्रति तैयारी की बात है और विधायक के अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहे जनता के बीच में, ताकि लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास न करे। कानून व्यवस्था पर हर हाल में लगाम के लिए सब जिम्मेवार प्रतिनिधि जिम्मेवारी का निर्वहन करें। सर, जल की समस्या होते जा रही, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, नीतीश कुमार जी ने इस पर चिंता भी व्यक्त की है, तो लगता नहीं है सर अब देर हो चुका है काफी इस मामले में? ये चिंता आज नहीं, ये शुरू से इस पर तैयारी भी चल रही है और ये चिंता स्वाभाविक है। जो वायु परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल के अंदर, जो प्रदूषण के कारण वातावरण के अंदर आज कई कठिनाई का सामना करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेरित कर रहे हैं, इस सत्य को स्वीकार करके आगे की तैयारी में लगनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, आपके यहाँ के MLC, आपके यहाँ के कुछ विधायक हैं BJP के, जो लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर दे रहे हैं सर। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन अपने नेतृत्व पर विश्वास करता है और नेतृत्व में कार्य करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।